अस्सलाम वालेकुम सभी दोस्तों, मेरे मित्रों, तो चलिए कैसे हो, खैरियत करता हूं, आप सब उम्मीद से होंगे। तो भाई जान, वर्ल्ड कप की आमद आमद की बल्कि आ ही गया है, और इसी के साथ हमारे ऊपर नाजल हुआ है चाहत फतेह अली खान का एंथम। तुम सभी लोग बहुत एतराज कर रहे थे ना कि वो वाला एंथम ना अच्छा नहीं है, ये मैं ये है वो है उसमें ये है वो है, तो चाहत फतेह अली खान ने इस बात का बेड़ा गर्क उठाया है कि इसको एंथम को ठीक मैं करूंगा। तो जी हाँ, आज का हमारा मौजू है बकवास है चाहत फतेह अली खान। तो फटाफट से अपने कान और आंखें बंद कर लो, हम एंथम स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, लेट्स गो। ओ खैर, अच्छा ये ऊपर क्या लगाया हुआ है? मैंने समझा कि जंगले में कैद है, ऊपर कोई इफेक्ट लगाया है। ये जॉगिंग कर रहे हैं। वैसे शुरू में ये जो टो 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 वो आया था ना, उससे तो वैसे लगता था कि ये मैच का कोई वो सायरन है। हुण अगे वेखो की बनता, अल्लाह ही खैर करे। जीते के भई जीते, आ जीते आ, ओए भई जीते जीते के भई, अगे भी कोशिश है लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। केड़ा सस्ता नशा कीता ही होए, लपे आती कितो आ गई विच, ये कौन सा बच्चों के स्कूल की असेंबली हो रही है, लपे आती विच ले आया यार। कैसे जंगलों में आके गा रहे, ऊपर से काए चाहे कोई मखील लड़ जाए। ओए हो, हफ्ता के ये इसी तरह से गाना गाता रहा ना, इसका वेट वैसे कम हो जाने, गाना चाहे फेमस हो ना हो। वो दूसरी बात सुनो, चाहत फतेह अली खान ने पता नहीं 8 बजे दिमाग च की होया, अपने चैनल पे इसी सॉन्ग को 3 दफा अपलोड किया है। 3 दफा नहीं, 1 दफा यकीन नहीं सी मतलब। बाकी सारियां गल्लां छोड़ो, चाहत फतेह अली खान की तुम ड्रेसिंग चेक करो, अंगूठियां और तस्बीहां तो इसने ऐसे पहनी हुई है जैसे चुप चुप वाला पीर साहब ये है। ओके, पहला मैच हॉलैंड से है, पहला मैच हॉलैंड से है, जीतेंगे भाई जीतेंगे। ये क्या था भाई, पहला मैच हॉलैंड से है, मैंने समझा रैप शुरू होने लगा है, वो इनक दस के फिर तौर पे जीतेंगे भाई जीतेंगे। जीतेगा कौन है ये भी दास है। भाई साहब, इतने हैवी सिंगर तुमने कहीं ना सुना नहीं होगा। पिछले दिनों ना चाहत फतेह अली खान की ना एक ना ऑडियो लीक हुई थी, उसमें चाहत फतेह अली खान की तुम प्राइजिंग सुन के ना दंग रह जाओगे। चाहत फतेह अली खान की तुम ना ये जरा बातें तो सुनो। जी हाँ, इंशाल्लाह ताला जिक्र दूंगा जी, कराची में इंशाल्लाह ताला जी 10 मई को मैं जी चार्ज करूंगा आपसे 10 लाख है, और उसके बाद आपने मेरी रिटर्न टिकट जी पे कर दें। ठीक है जी, कराची टू लंदन जी, लंदन टू कराची, और ये कि रिहाइश का उधर जी कर दीजिएगा, होटल का और साथ जी सिक्योरिटी की प्लीज। भाई साहब, इतने नखरे चाहे वहाँ पे आतिफ असलम के ना हो, इतने सिक्योरिटी, इतने पैसे चाहे वो ना मांगता हो जितने इस पॉइंट साहब को चाहिए। इस तरह का बंदा कोई माइक में गा रहा हो ना तो लोग माइक में करंट छोड़ देते हैं कि किसी तरह से चुप करे, और ये इन्ने पैसे मंगन दिया। ले भाई, आने जाने का टिकट, सिक्योरिटी गार्ड्स, पैसे, ये वो। हालांकि जिस तरह का ये गाता है ना, कसम से इसे सुखियां रोटियां लेके गाना सुनाना चाहिए, और इसकी रेडी पे जो आवाज होती है ना वो इस तरह की होनी चाहिए, सुखियां रोटियां तो गाना, लोई लैलन तो गाना। रोड पे जा रहा हो ना तो इसे लोग खड़ा करके कहते हैं कि यार 1 मिनट ना जरा अपनी टेंड सीधे करना, हमने जरा ना अपने बाल बनाने। एक मुझे बात ये समझ नहीं आती है कि इसके पीछे इतने सारे बाल है और इस पूरे एरिया में कोई बाल ही नहीं है। ये नहीं मतलब, यहाँ पे क्या सोलर पैनल लगवाना तो सारे बाल ही उड़ा दिए यहाँ से। श्रीलंका से है, दूसरा श्रीलंका से है, जीतेंगे भाई जीतेंगे। पहला मैच इससे है, जीतेंगे भी जीतेंगे, दूसरा मैच इससे है, जीतेंगे भी जीतेंगे, तीसरा मैच इससे है, जीतेंगे भी जीतेंगे। तीसरा मैच हमारा इंडिया से है, तीसरा मैच हमारा इंडिया से है, जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे। ये मेरे ख्याल से ना वर्ल्ड कप का एंथम कम और ये मैचेस का शेड्यूल बताने आया है। ओ यार, ये तो 35 बारी कह देता, कुछ होर भी कह ला। जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चौथा मैच हमारा ऑस्ट्रेलिया से है, ऑस्ट्रेलिया से है, ऑस्ट्रेलिया से भी हम जीतेंगे भाई जीतेंगे।
पांचवा मैच हमारा अफगानिस्तान से है। अच्छा जीतेंगे भाई जीतेंगे। छठा मैच हमारा साउथ अफ्रीका से है। अच्छा जीतेंगे भाई जीतेंगे। जी जी बिल्कुल, जितना इन्होंने इसने कह दिया ना भाई साहब पाकिस्तान को जीतना बनता है, तकरीबन भी कोई 14,000 दफा इसने इस सॉन्ग में कह दिया है जीतेंगे भाई जीतेंगे 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 भाई जीतेंगे जीतेंगे भाई जीतेंगे जीतेंगे। यार और कुछ नहीं करना तो मैंने भी ना इवन पहली दफा ये सॉन्ग सुना है इसका, अगर मुझे पता होता ना कि इसने यही सिर्फ कहते रहना मैं चाहे वीडियो इस पे बनाता ही ना। ऐसे ऐसे ही हमारा न्यूजीलैंड से है, न्यूजीलैंड से भी हम जीतेंगे भाई जीतेंगे जीतेंगे भाई जीतेंगे। चलो सॉन्ग सुनने को चाहे नहीं मिला पर ये तो पता चल गया ना पहला मैच किससे है, दूसरा मैच किससे है, तीसरा मैच किससे है, चौथा पांचवा छठवा सातवां आठवां नौवां दसवां सारा मैच उसने शेड्यूल बता दिया। मैं तो कहता हूँ चाहत फतेह अली खान को ना स्टेडियम में होना चाहिए, अगर पाकिस्तान कहीं पे हारा तो इन सारे जाने फाड़ लन। तू इतनी दफा क्या सी के यार जीतेगा भी जीतेगा हूं जीते नहीं, ये जो इसकी वाज है टेंड है ना बंदा ये पाड़ दे। नौवां मैच हमारा इंग्लैंड से है। अच्छा चलो पता ही नहीं जीतेंगे जीतेंगे भाई जीतेंगे। हाँ जी वाह वाह वाह, वर्ल्ड कप आपका है, वर्ल्ड कप पाकिस्तान का है। ओए ओए खत्म, बाय बाय टाटा, सॉन्ग मुक गया। अब जरा ना चाहत फतेह अली खान के ना सॉन्ग पे चलते हैं, वहां पे नीचे चेक करते हैं कि यहाँ पे ना उन्होंने लोगों ने कमेंट्स कैसे किए। भाई साहब ये चेक करो चाहत फतेह अली खान ने अपना नंबर भी दिया हुआ है, बंदा रात को 3 बजे से कॉल करके तंग किया करे। हैट्स ऑफ टू दोस हु हैव लिसन दिस सॉन्ग दिस फुल सॉन्ग, अल्लाह ने बहुत सब्र दिया है आप लोगों को, मैंने और आप लोगों ने इस सॉन्ग को ना ऑलमोस्ट पूरा सुना है, ये हमें कह रहा है। इवन एमिनम इज अफ्रेड ऑफ दिस गाय, एब्सोल्यूट लेजेंड, वन ऑफ द बेस्ट एंथम ऑफ वर्ल्ड कप 2023। वाह ये भी नशे में है। वाह उस्ताद आपके आने के बाद उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की रूह अब सुकून से कब्र में सो सकेगी, आफ्टर दिस एफर्ट वो डिजर्व वर्ल्ड कप। हाँ यार जितना जितनी कोई 14,000-15,000 दफा उसने कह दिया है इतना तो बनता है। शुक्रिया भाई आपके गाने से हमें पाकिस्तान के मैचों का पता लगा कि किस किस के साथ है। चाहत फतेह अली खान के लाइव शो चार्जेस एंट्री फ्री एग्जिट 5,000, प्लीज मेक द अदर सॉन्ग अबाउट द डेट्स ऑफ दीज मैचेस। हाँ उसने 150 बताई नहीं, इसको 9 मई के वाकयात में मुलव्वस करार देकर फांसी क्यों नहीं दे देते। आओ यार इन्हें भी चौंक लो, लगता है कैमरामैन भी भाग गया है, अब खुद ही रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। हाँ यार बस ये भी लग रहा है, पिछली दफा जो इसका सॉन्ग आया था उसमें तो 2-3 सीन चेंज कर लिए थे, इस दफा तो एक ही जगह पे खड़ा रहा है। वाह जी वाह उस्ताद ये कमाल सॉन्ग, मजा आ गया। हाँ वैसे ये तो है चाहत फतेह अली खान ने जिस तरह का सॉन्ग गाया है ना मजा तो आ गया। चाहत फतेह अली खान को ना इस सॉन्ग पे ना 21 तोपों की सलामी होनी चाहिए, पर शर्त ये है कि उस तोपों का मुंह चाहत फतेह अली खान की तरफ होना चाहिए। आप इस बारे में क्या इजहार ख्याल करना चाहते हैं नीचे जरा कमेंट बॉक्स में बताओ, और नेक्स्ट वीडियो के रिलेटेड अगर आपके दिल में जेब में गुर्दे में कोई भी मशवरा हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे बता सकते हो, हम उस पर वीडियो बनाएंगे सर। शुक्रिया आपका शुक्रिया आपका घर बार।